महाभाष्य 46वीं कक्षा। गुरु जी, हाँ जी, पृष्ठ नंबर 113, नैषा दोषा वाला जो है दाएं पंक्ति में, अमी एक इति यता सिद्धम। तो अमी एक से कैसे सिद्ध हो जाएगा, स्पष्ट नहीं हो रहा है। पूर्व के स्थान में अक से उत्तर अम में स्थित अच परे हो तो एक आदेश होता है। एक आदेश क्या करेंगे फिर, यदि दीर्घ जाते तो आकाशवर्ण दीर्घ से ही सिद्ध था। अमी सूत्र से ही दीर्घ सिद्ध था, फिर पूर्व ग्रहण किया उससे ज्ञापक निकलता है कि दीर्घ नहीं होता। अमी सूत्र से एकादेश में दीर्घ सिद्ध था, कैसे आकाशवर्ण दीर्घ आदि से। हाँ, उसको उसकी प्राप्ति में दिखा रहे हैं ये कि अमी सूत्र किसकी प्राप्ति में, प्रथम पूर्व सवर्ण की प्राप्ति में है। पूर्व सवर्ण दीर्घ सिद्ध था उसकी प्राप्ति में ये सूत्र है ना। ये जो अमी सूत्र है ये प्रथमयो पूर्व सवर्णा की प्राप्ति में है, तो प्रथमयो पूर्व सवर्णा की प्राप्ति में होने से पूर्व सवर्ण दीर्घ माने ऊ का दीर्घ तो सिद्ध था, ऊ ही हो जाए इसके लिए ये सूत्र माना जाएगा। पूर्व सवर्ण की, पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति में ये बनाया है। हाँ, तो पूर्व सवर्ण की अनुवृत्ति तो इसका आ ही रही है, मतलब दीर्घ बस पूर्व ग्रहण से छूट रहा है। हाँ, इति इयता, यत शब्द का तृतीय एक वचन, इतने से ही। अच्छा, इतने से ही, इतने परिमाण से ही, ठीक है। तो ये चल रहा था, इदम विचार्यते, ये विचार किया जाता है कि इन वर्णों में जो वर्ण एक देश है, वर्णांतर समान आकृत, ये यहाँ तक पहुँच गए थे हम गुरु जी। इदम विचार्यते, जो दूसरा अगला टॉपिक शुरू हो रहा है, इसमें वर्ण एक देश और वर्णांतर समान कृत है, ये समझ नहीं आया जी। कौन वर्णों में जो वर्ण के अवयव हैं, एक देश माने अवयव, वर्ण एक देशा वर्ण के अवयव, वर्णांतर समान आकृत है, वर्णांतर के साथ समान आकृति है जिनकी, जो वर्ण एक देश है ना, जैसे ए के अंदर अ और ई है, वो स्वतंत्र जो वर्ण होता है ना अ ई, उसके साथ इसकी आकृति समान है, ऐसा बोल रहे हैं। वर्णों में जो वर्ण के एक देश हैं अ और ई, उस अ और ई की वर्णांतर के साथ समान आकृति बता रहे हैं। वर्णई का देशा और वर्णांतर समानाकृत है, विशेषण विशेष्य है, समान अधिकरण है। वर्णई का देशा वर्णांतर समानाकृतया कृतयः वर्णई का देशा, वर्णांतर के साथ समान आकृति है जिनकी, ऐसे वर्णई का देश, वर्णांतर के साथ समान आकृति है जिनकी, ये बहुव्रीहि समास है। और समान के योग में तृतीया, वर्णांतरेण स्वतंत्र वर्ण के साथ समान, समाना आकृतिर ये शाम ते एवं भूता ते एवं भूता वर्णैक देशा, वर्णैक देशा षष्ठी समास, वर्णों के एक देश, एतेषां अवयव ग्रहणेन ग्रहणं स्याद् वा न वा, अवयव के ग्रहण से वर्ण एक देश हैं, अवयव हैं, उनको अवयव ग्रहण से ग्रहण करें या नहीं, अर्थात अवयव आश्रित कार्य करें या नहीं। अग्ने जमा इह, यहाँ पर अग्ने में जो ई है उसको अक माने या नहीं माने, जैसे ये है अग्ने, तो बाद में तो ई है ना, तो वो अक माने या नहीं माने। वर्णांतर समान आकृत है, वर्णांतर के साथ समान आकृति है इस ई की, इस ई के साथ समान आकृति है, तो अवयव ग्रहणेन ग्रहणम स्याद वा न वा, अवयव ग्रहण से इसका ग्रहण हो या न हो, अर्थात अक्षे उत्तर, अक्षे उत्तर सवर्ण अच परे रहते, आकाश सवर्ण दीर्घ सूत्र लगाएं या न लगाएं, तो इसको
उतः पुनरिम विचारणा ही समुदाय भी उपदिश्यन्ते अवयवापि, समुदायों का भी उपदेश है और अवयवों का भी उपदेश है। अभ्यंतर से समुदाय अवयव, और समुदाय के अंदर अवयव जो है भी उसके अंदर ही तो होता है। जैसे वृक्ष हिलता है तो अपने शाखाओं के सहित हिलता है, तत्र समुदायस्थस्य अवयवस्य अवयव ग्रहण ग्रहणम स्याद व न। समुदाय में स्थित जो अवयव है उसके अवयव के ग्रहण से ग्रहण होना चाहिए या नहीं। अग्नि में जो ई है उसको ईक मान करके कार्य करें या न करें, ये विचारणा उत्पन्न हो रही है। कश्चात्र विशेष, इसमें क्या भेद पड़ता है ये बताओ हमको। वर्णिक देशा वर्ण ग्रहणेन ग्रहणम चेत संध्यक्षरे समान अक्षर विधि प्रतिषेधा। समान अक्षर को मानकर जो आकाश वर्ण दीर्घ होता है ना, विधि प्राप्त होती। समान अक्षर विधि तस्य प्रतिषेधा, ऐसा समास। समान अक्षर जो विधि है उसका प्रतिषेध करना पड़ेगा। समान अक्षर विधि क्या होती है, आकाश वर्ण दीर्घ, उसका प्रतिषेध करना पड़ेगा। समान अक्षर क्या होगा? समान अक्षर अ आ ई संधि अक्षर में स्थित जो एक देश है वो नहीं, समान अक्षर तो अ आ ई इनको समान अक्षर कहते हैं। संज्ञा एक प्रकार की पूर्वाचार्यों की, अ आ ये समान अक्षर हैं दो, ई ई ये समान अक्षर हैं, ऊ ऊ री री ली ली ये समान अक्षर हैं, दस समान अक्षर हैं। विधि जब प्राप्त होगी समान अक्षर की जो विधि है अकाशवर्ण दीर्घ उसका प्रतिषेध करना पड़ेगा। अग्नि आलय, हाँ तो यहाँ पर ये जो अग्नि है ना, अग्नि में जो ई है जी, और फिर तो आगे ई है, आलय शब्द रखें तो नहीं, तो समान अक्षर विधि नहीं होगी ना, तो उसमें संधि हो जाएगी ई को मान करके, नहीं होगी ना, ये तो आगे फिर दूसरा भी देंगे। ये जो री है जी और दीर्घ है इसका, ये नहीं है समान अक्षर। दस समान अक्षर हैं पूर्वाचार्यों के, अ आ ई ई उ ऊ री री ल री री। अच्छा, ये दस समान अक्षर हैं। पूजा जी दिया ना उद्योत ने, पूर्व व्याकरण वचनात् अ आ ई ई उ ऊ री री और री दीर्घ री दिया है, दीर्घ री दे रखा है। तो ये पूर्वाचार्यों के अनुसार ये दस समान अक्षर हैं। ये आपस में समान है इस अ और ये समान है आ के साथ। जी जी, सिर्फ ये इसको संधि अक्षर में स्थित ये जो वर्ण रखे तो संधि अक्षर में जो स्थित वर्ण है उसके साथ संधि नहीं होती। समान अक्षर विधि प्रतिषेधा आकाशवर्ण, मूलतः इसका बात इतनी है कि आकाशवर्ण दीर्घ पाएगा उसका प्रतिषेध करो। आगे दूसरा भी दे रहे हैं, इक्वेंसी आदि भी देंगे। ये समान अक्षर विधि प्रतिषेध का अर्थ है अकाशवर्ण दीर्घ जो पाएगा वायो उदकम, अकाशवर्ण दीर्घ पाएगा उसका प्रतिषेध करो। वो दिया भी इन्होंने व्याख्या में देखिए, अग्ने इंद्रम वायो उदकम अकाशवर्ण दीर्घ इति दीर्घत्व प्राप्त होती, अकाशवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है उसका प्रतिषेध करो। और देखिए दीर्घ ह्रस्व विधि प्रतिषेधा, दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि पाती है उसका प्रतिषेध करो। यदि हम वो मानते हैं ना, जैसे अग्नि आलय में तो फिर वो एचो यवा यावा है ना, वो बाद लेता है। जहाँ ए स्वरूप तो दिखाई दे रहा है ना, वहां पर एचो यवा यावा बाद लेता है। समान कार्यम अग रूप समान अक्षर कार्यम सवर्ण कार्यम त्रिपाठ है सवर्ण दीर्घ कार्यम, इन समान कार्यम प्राप्त होती है। समान कार्य का अर्थ है अग रूप समान अक्षर कार्य प्राप्त होता है, अका सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। और आगे बता रहे हैं दीर्घ ह्रस्व विधि ह्रस्व अक्षर आश्रय विधि प्राप्त होती है उसका प्रतिषेध करो। जैसे आलू है, जैसे आलू
यहाँ कत्वा को समास में ल्यप हो जाता है, तो दीर्घ में ह्रस्व भी तो मिला हुआ है ना, तो ह्रस्व से प्रतिकृति तुक आगम प्राप्त होता है, उसका प्रतिषेध करो। दीर्घे ह्रस्व अक्षर आश्रय विधि प्राप्त होती स प्रतिषेध्य, कर्म कारक में है प्रतिषेध्य। आलू प्रलू ह्रस्व प्रतिकृति तुक इति तुक भवती इति तुक प्राप्त होती, ह्रस्व प्रतिकृति तुक से जो तुक होता है वो तुक प्राप्त होता है। कैसे दीर्घ से ह्रस्व, दीर्घ के अंदर जो ह्रस्व अक्षर, ये तो मान ही लिया ना कि ये वर्णेशु वर्णैक देशा वर्णांतर समाना करताया तेषु तत्कार्यम स्याद्वा नवा, तो बोले कश्चात्र विशेष है, वो पक्ष चल रहा है कि वर्णांतर कार्य होता है। संधि अक्षर में तो वो होते हैं एक देश, दीर्घ में ये भी संधि अक्षर ही मान करके कह रहे हैं कि ऊ मान करके, मान लीजिए दीर्घ ऊ हो गया एक, अब इसमें वर्णांतर कार्य होगा या नहीं होगा, तो ह्रस्व प्रतिकृति तुक से तुक पाता है, ह्रस्व प्रतिकृति तुक से यहाँ पर तुक आगम पाता है। नैष दोषा आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति, आचार्य का व्यवहार जतलाता है कि दीर्घ में ह्रस्वाश्रय विधि नहीं होती है। यदयम दीर्घात दीर्घ से उत्तर छः के पर रहते, जो तुक शासन कर रहे हैं ना छठे अध्याय के पहले पाद में दीर्घात पदांतात व सूत्र बना रखा है, छः की अनुवृत्ति आती है, दीर्घ से उत्तर छः के पर रहते तुक होता है। यदि दीर्घ में ह्रस्वाश्रय विधि होती होती तो ह्रस्व प्रतिकृति तुक छे छ, ह्रस्व मान करके छः के पर रहते तुक हो ही जाता, ऐसे ज्ञापक दे रहे हैं। ज्ञापक का स्वरूप पता चला, जैसे री धातु है और ये छह है, दीर्घ से उत्तर छकार के परे रहते दीर्घ को तुक आगम होता है, तो ये कह रहे हैं कि यदि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि होती तो ये तुक अपने आप ही हो जाता है, छः छः लग छः के परते ह्रस्व को तुक होता है तो अपने आप ही हो जाता, दीर्घात कहने की क्या जरूरत है। तब वो ज्ञापक का विघटन करने वाला व्यक्ति आया, वो बोला कि नहीं ज्ञापक नहीं है, उसका प्रयोजन है, दीर्घ को जो तुक विधान किया है उसका ये प्रयोजन है कि पदांत में विकल्प कहूँगा, पदांताद्वैति अस्ति एतस् प्रयोजने प्रयोजनम अन्यत् प्रयोजनम किम पदांताद्वैति विभाषां वक्ष्यामि, अस्ति अन्यत् एतस् प्रयोजने प्रयोजनम, पदांत से विकल्प कहूँगा, दीर्घस्य इत्यस्य अभावे कुड्यत् छाया इत्यादि विकल्प स्यात्, दीर्घ यदि नहीं कहेंगे, दीर्घात यदि नहीं पढ़ेंगे तो उड्यच्छाया है, उड्यच्छाया इत्यादि में विकल्प होने लगेगा पदांताद्वा, जैसे उड्यच्छाया दीर्घ नहीं कहेंगे तो यहाँ पर भी विकल्प होने लगेगा, नित्य चाहते हैं ना पदांत ह्रस्व में छे छे नित्य होता है, पदांत दीर्घ में विकल्प होता है और अपदांत दीर्घ में भी नित्य होता है। तीन स्थितियां हैं, एक ह्रस्व वाली, एक पदांत दीर्घ वाली, एक अपदांत दीर्घ वाली। तो ह्रस्व वाली स्थिति में तो नित्य तुक होता है, पदांत दीर्घ वाली में विकल्प होता है, अपदांत दीर्घ वाली में नित्य होता है, जैसे ये है ना नित्य तुक होगा, अब चाहिए थे यहाँ भी नित्य होगा। अब चाहिए थे नैतदस्ति प्रयोजनम अस्ति अन्य देत स्वचने प्रयोजनम
क्या प्रयोजन है पदांताद्वैति विभाषां वक्ष्यामि यत्र योग विभागम करोति। समादाता कह रहा है ज्ञापक के रूप में उसको रख रहा है तो फिर योग विभाग क्यों किया। इतर्थाय दीर्घात् पदांताद्वैति ब्रूयात्। योग विभाग किया है ना वो क्यों किया। इतर्थाय दीर्घात् पदांताद्वैति ना ही कह देते। इस भाष्य से क्या प्रमाणित हो रहा है जो आचार्य योग विभाग करते हैं यत्र योग विभागम करोति। आचार्य ने योग विभाग जो किया है योग विभाग अर्थात दो सूत्र बनाए हैं इतर्था ही दीर्घात् पदांताद्वैति ब्रूयात्। हाँ तो दीर्घात् पदांताद्वैति ब्रूयात् इतना ही सूत्र बना देते। इतना नहीं बनाया दो सूत्र बनाए हैं जहाँ पर योग विभाग करूँगा कहीं ऐसा आएगा भाष्यकार के द्वारा वहाँ तो एक सूत्र मानना चाहिए। योग विभागा करिष्यते ऐसा जहाँ आए वहाँ तो निष्कर्ष निकालना चाहिए कि एक सूत्र है पाणिनि का और भाष्यकार उसका योग विभाग कर रहे हैं और जहाँ ऐसी भाषा आए यत्र योग विभागम करोति आचार्य करोति मानी पाणिनि ने किया है तो उससे पता लगता है कि ये सूत्र ऐसी भाषा जहाँ आए तो वहाँ पर पाणिनि के द्वारा ही दो सूत्र होने चाहिए। नहीं तो कह रहे ना इतर था ही ऐसा कह देते आचार्य ऐसा सूत्र बना देते। इसका मतलब ऐसा सूत्र नहीं बनाया दीर्घात पदांताद्वा ऐसा सूत्र नहीं बनाया पाणिनि ने ही दो सूत्र बना रखे हैं ऐसे कुछ निकल रहा है ना। कई जगह ऐसा आएगा योग विभाग करिष्यते वहां पर दो सूत्र नहीं रखने चाहिए। नहीं वो नहीं त्रिपुर वाला योग भाग नहीं वो तो अविभक्तिक निर्देश बताया। योग विभाग करिष्यते ऐसे स्थल भी आएंगे हम योग विभाग कर लेंगे तो जहाँ ऐसी भाषा हमको मिले योग विभाग करिष्यते तो वहाँ वे सूत्र पाणिनि के द्वारा एक सूत्र बोला गया है भाष्यकार सुझाव दे रहे हैं कि योग विभाग कर लेंगे। हाँ गुरु जी ये जो यहाँ न्याय दिया हुआ है कि वृक्षा प्रचलन सह अवयवी प्रचलती इस न्याय के अनुसार यदि कृपोरोला को देखें तो वहाँ पर ऋकार के रेफ को ही लकार आदेश करवाया है तो वहाँ पर भी नहीं हो पाएगा अगर इस तरह से देखें तो। किस तरह से देखें तो नहीं हो पाएगा कि अवयव का कार्य नहीं होगा मतलब वृक्ष हिल रहा है तो उसकी सारी शाखाएं हिलेंगी तो उल्टा दृष्टांत दे रहे ना तो वृक्ष हिलेगा तो सारी शाखाएं हिलेंगी तो अवयव का कार्य हो जाना चाहिए। जैसे आप ये कह रहे हो कि ये न्याय तो न्याय तो यही कह रहा है कि समुदाय में अवयव का कार्य हो जाता है। जैसे समुदाय वृक्ष है उसमें शाखाएं होती हैं समुदाय को हिलाएं तो शाखाएं भी हिलती हैं जी। समुदाय के अंदर अवयव होने के कारण जी। समुदाय में अवयव उसके भीतर ही होता है मानी अवयवों के बिना अवयव ही नहीं बनेगा ना जी। वो न्यायिक प्रक्रिया में तो बिल्कुल ऐसा ही कहा है ना अवयवों के कारण से अवयवी है अवयवों के बिना अवयवों के उच्चारण के बिना समुदाय का उच्चारण असंभव है। जैसे गुरु जी यहाँ पर जो संधि नहीं हो रही है आकार इकार में अकार सवर्ण दीर्घा नहीं हो रहा है जो एकार में अकार और इकार है ये यूं कह रहे हैं यदि ग्रहण होता है तो ये प्रतिषेध करना पड़ेगा। ग्रहण पक्ष में आक्षेप करके दिखा रहे हैं कि यदि वर्ण एक देश वर्ण ग्रहण से गृहित होते हैं तो संध्याक्षर में समान अक्षर जो विधि पाती है उसका प्रतिषेध करो। दीर्घ में जो ह्रस्वाश्रित विधि पाती है ह्रस्व विधि मानी ह्रस्वाश्रय विधि लोप हो रहा है आश्रय शब्द का
समास में लोप हो रहा है, ह्रस्व अक्षर आश्रय विधि प्राप्त होती है, उसका प्रतिषेध करो। जैसे आलू में ह्रस्व प्रतिकृति तुक प्राप्त होती है, नैष दोषा कहते हैं आचार्य की प्रवृत्ति ज्ञापित करती है कि न दीर्घ ह्रस्व आश्रय विधि भवती, दीर्घ में जो दीर्घ अक्षर है उसमें ह्रस्व आश्रित विधि नहीं होती है। कैसे? जो कि आचार्य ने यदयम दीर्घा तुकम शास्ती छे च बनाया, फिर दीर्घ से तुक बनाया, दीर्घ को भी तुक किया, दीर्घ से उत्तर, ये दीर्घात पंचमी षष्ठी में बदल जाती है जब तुक आगम करते हैं तब, उस समय दीर्घ से उत्तर छह देखेंगे, दीर्घ से उत्तर छकार देखेंगे और छकार को देखकर दीर्घ से उत्तर छह देखेंगे और छह देख करके उस दीर्घ को तुक करेंगे। जैसे ये देखो छह देखिया और इस दीर्घ को तुक आगम किया। यदि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि हुई होती तो यहां पर दीर्घात सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं थी, ये कोई प्रयोजन ना हो तो ज्ञापक बनता है, वो प्रयोजन दे रहे हैं, नहीं तत् ज्ञापकम अस्ति एतस्य वचने प्रयोजनम अस्ति ही अन्यत् एतस्य वचने प्रयोजनम, क्या इसको कहने में अलग प्रयोजन है? क्या पदांतात् वा इति विभाषां वक्ष्यामि, पदांतात् वा से विकल्प कहूँगा, पदांत दीर्घ से उत्तर विकल्प कहूँगा। जैसे कुटी छाया, ये पदांत दीर्घ से उत्तर विकल्प है, कुटी छाया और कुटी छाया, कुटी छाया, कुटी छाया, पदांत दीर्घ से उत्तर विकल्प कहूंगा। यदि दीर्घात पदांता द्वा सूत्र न, दीर्घात ये सूत्र नहीं बनाते तो यहां पर ह्रस्वाश्रित जो दो रूप नहीं बनते हमारे को, एक ही बनता है। जैसे यहाँ एक बनता है ना, कुड्यत छाया में जैसे एक बनता है, या फिर उद्योत में लिखा अस्ति अन्य स्वचन प्रयोजन तत् दीर्घात इत्यस्य अभावे कुड्यत छाया दो विकल्प स्यात्, पदांताद् वा दीर्घात सूत्र से बीच में से हटा दीजिए और पदांता द्वारा रखिए, ह्रस्व की अनुवृत्ति जाएगी तो अर्थ ये निकलेगा ह्रस्व पदांत से उत्तर छकार परे हो तो विकल्प से तुक आगम होता है। यहां पर भी ये नित्य तुक चाहते हैं छे छे, विकल्प होने लगेगा तो दीर्घ दीर्घात सूत्र पदांता द्वा के साथ जुड़ गया। दीर्घात जो पद है पदांत दीर्घ में विकल्प करेगा, अपदांत अपदांत जो दीर्घ है वहां भी नित्य होगा, जैसे ये है ना अपदांत दीर्घ, यहां भी नित्य होगा। और दूसरा अपदांत दीर्घ में नित्य होगा और पदांत ह्रस्व में नित्य होगा, पदांत दीर्घ में विकल्प होगा। ये पदांत ह्रस्व है और ये अपदांत दीर्घ है, अभी योग विभाग की बात नहीं रखी है, अभी इन्होंने ये कहा कि दीर्घात पदांता द्वा नैतस्य ज्ञापकम् अस्ति अन्यत् एतस्य वचने प्रयोजनम् किम् पदांता द्वा इति विभाषां वक्ष्यामि, पदांता द्वा ये विकल्प कहूंगा। दीर्घात सूत्र इसलिए बनाया कि पदांता द्वा ऐसा विकल्प कहूंगा, दीर्घात नहीं बनाएंगे तो कुड्यत छाया में भी ये हो जाएगा, विकल्प होने लगेगा। यत्र ही योग विभागम करोति, अच्छा तो मेरे को ये बतला दो कि योग विभाग क्यों कर रहे हैं? योग विभाग तो इसलिए किया है ना अपदान दीर्घ से उत्तर विकल्प ना हो, इतर था ही योग विभाग क्यों किया? दीर्घात एक सूत्र हुआ, पदांता द्वा एक सूत्र हुआ, योग विभाग क्यों किया? दीर्घात पदांता द्वा
पदांत में विकल्प करना है तो दीर्घात पदांत अथवा एक सूत्र बनाकर विकल्प कर दो, ऐसे बता दिया। तो समाधाता ने इसको तो निराकरण कर दिया है। ये जो दोष दिया था ना, पहला दोष, इसका समाधान कर दिया है। वार्तिककार ने जो दोष दिया दीर्घ ह्रस्व विधि प्रतिषेधा, दीर्घ में ह्रस्व अक्षर आश्रय विधि प्राप्त होती है, उसका प्रतिषेध करो। आलूय ह्रस्व स्पितिकृति तुक यदि तुक प्राप्त होती, उसका निराकरण कर दिया। आलूय में जो ह्रस्व आश्रित तुक आगम प्राप्त होता है, उसका निराकरण कर दिया। कैसे किया उसका निराकरण? उसका निराकरण इस तरह से किया कि आचार्य ने जो दीर्घात पदांता द्वा दो सूत्र बनाए ना, जो योग विभाग किया है पाणिनि महाराज ने, योग विभाग जो किया है ना, दो सूत्र बनाए, उससे पता लगता है कि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि नहीं होती। यदि होती होती तो दीर्घात पदांता द्वा ऐसा एक सूत्र बना देते कि पदांत दीर्घ में विकल्प होता है और अपदांत में नित्य होता है। कैसे नित्य होता? छेच से हो जाता, जैसे ये है, इसमें ह्रस्व नित्य तुक हो जाता छेच, यहाँ पर भी दीर्घ आ है तो छेच नित्य हो जाता, यहाँ भी नित्य हो जाता, यहाँ पर विकल्प हो जाता दीर्घात पदांत अद्वा। तो ऐसे करके आलू में ह्रस्व आश्रित जो तुक पाता है ये दोष नहीं। आचार्य का अभिप्राय हमने क्या निकाला कि दीर्घ में ह्रस्व को मानकर कार्य नहीं करना चाहते, यदि करते होते तो दो सूत्र नहीं बनाते, दीर्घात पदांत अद्वा एक ही सूत्र से काम चलाते हैं। नहीं, दोष तो तुक होना ये दोष है, ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक होना दोष है। तो कहते हैं ये दोष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दीर्घात पदांता द्वा ऐसा एक सूत्र ना बनाकर जो योग भाग किया है उससे ये ज्ञापित करते हैं आचार्य, ये दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि नहीं होती। यदि होती होती तो योग विभाग करने की जरूरत नहीं थी, एक ही सूत्र बना देते। योग विभाग किया है इसका मतलब उनका ये अभिप्राय है कि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि नहीं होती, दीर्घ में ह्रस्व अक्षर मानकर कार्य नहीं होता है। आप बताओ अपने शब्दों में, दीर्घ में ह्रस्व अक्षर आश्रय विधि प्राप्त होगी, इसके लिए प्रतिषेध करना चाहिए। तो आचार्य का ज्ञापक दिया कि जो दीर्घात सूत्र बनाया है इससे ये ज्ञापित होता है कि दीर्घ में ह्रस्व आश्रय विधि प्राप्त नहीं होती। अगर दीर्घ में ह्रस्व अक्षर आश्रय विधि प्राप्त होती तो दीर्घ सूत्र दीर्घात छः ऐसा सूत्र नहीं बनाता। तो उन्होंने कहा आक्षेप आदि ने कि ये ज्ञापक नहीं है, दीर्घात सूत्र इसलिए बनाया है कि पदांत दीर्घ से हम विभाषक कह सकें, पदांत दीर्घ में हम विभाषक कह सकें, इसलिए दीर्घात पढ़ा है पदांतादवा में, दीर्घात पदांतादवा ऐसे कह के। तो दीर्घात पड़ा है पदांतादवा में, अनुवृत्ति ले जाकर पदांत दीर्घ में विकल्प करना चाहते हैं। तो फिर जो ज्ञापक दिखा रहे हैं वो ज्ञापक अपना स्पष्ट कर रहे हैं कि जो योग विभाग कर रहे हैं दीर्घात पदांतादवा, दीर्घात अलग सूत्र और अलग सूत्र बना रहे हैं। अगर दीर्घ में ह्रस्वास विधि प्राप्त होती तो जो अपदांत दीर्घ है उसमें तो छः च से ही प्राप्ति हो जाती, छः च से प्राप्ति हो जाती अपदांत में,
और पदांते के लिए एक ही सांस सूत्र पढ़ देते दीर्घात पदांताद्वा, तो फिर भी दीर्घात और पदांताद्वा ये पढ़ रहे हैं, तो इससे ये देख रहे हैं कि दीर्घ में ह्रस्वाक्षर आश्रय विधि प्राप्त होती नहीं, तो जो दीर्घ है केवल अपदांत दीर्घ है उसमें नित्यतुक की प्राप्ति नहीं है, इसलिए नित्यतुक की प्राप्ति के लिए दीर्घात अलग सूत्र पढ़ा और फिर पदांत में विकल्प से तुक की प्राप्ति के लिए पदांतात वा अलग से पढ़ा, ऐसे आलोय प्रलोय में ह्रस्व वृद्धि तुक प्राप्त होगा उसका प्रतिषेध करना पड़ेगा। यदि स्वतंत्र वर्ण का आश्रित कोई कार्य होता है दीर्घ में, जैसे आलोय में दीर्घ अक्षर में जो ह्रस्व अक्षर है इसको मानकर यदि तुक होता है, मतलब कोई विधि होती है, तो फिर हमको प्रतिषेध करना पड़ेगा। ये पदांत दीर्घ है, इस पदांत दीर्घ में विकल्प करने के लिए ये दीर्घात सूत्र बनाया है, बोले ठीक है उसके लिए बनाया है, तो हम बिल्कुल आपत्ति नहीं करते, बनाओ उसके लिए, पर इसके लिए क्यों बनाते हो? ये उसकी आपत्ति आखिरी में, रिच्छति के लिए क्यों बनाते हो? रिच्छति के लिए भी बनाया है ज्ञापक अर्थ, तो कोई प्रयोजन नहीं ना, प्रयोजन नहीं है तो ज्ञापक, ऐसा अभिप्राय निकालेंगे। उस ज्ञापक का अन्यत्र फल क्या होगा? दीर्घात सूत्र स्वतंत्र सूत्र बनाने से एक सूत्र ना बनाकर तोड़ करके जो ये सूत्र बनाया ना यहाँ रिच्छति में तुक करने के लिए, एक तो ये है कि इसलिए बनाया कि आचार्य का यह अभिप्राय हमें पता चलता है कि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि नहीं होती है। दीर्घ में यदि ह्रस्वाश्रित विधि हो जाती तो दीर्घात ऐसा सूत्र बनाने की उनको आवश्यकता नहीं थी, है ना? जैसे यहां है ये दीर्घ है, यहां भी दीर्घ है, अपचात छाए थे, दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि हो जाती तो ये छेच सूत्र का अर्थ ये होता है छह के पर रहते ह्रस्व को तुक होता है, तो ह्रस्व तो मिल गया हमको, दीर्घ में ह्रस्व मिल गया, तुक हो गया, तो दीर्घ में यह ह्रस्वाश्रित विधि हो जाती तो ये दीर्घात सूत्र इस रिच्छति के लिए क्यों बना रहे हैं? फिर भी बना रहे हैं इसका मतलब नहीं होता, वो दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि नहीं होती है, ये निकलेगा। और कोई कहे कि दीर्घात बिल्कुल ही ना बनाए, दीर्घात को जड़ामूल से हटा दें तो क्या दोष आएगा? गुरुजी दीर्घात नहीं पढ़ेंगे कहीं भी तो कुटी छाया बन जाएगा और कुटिया छाया, बस ऐसे बोल दे, लिख तो रखे है यहाँ पर, ये लिख रखे देखो, क्योंकि पदांत का ही विकल्प कर रहा है वो। यदि दीर्घात हटा देंगे तो दीर्घ पदांत में विकल्प होता है, तो ये पदांत है यहाँ भी विकल्प होने लगा, यहाँ विकल्प नहीं चाहते हैं, यहाँ एक ही रूप चाहते हैं, तो दीर्घात तो पढ़ना पड़ेगा, इसका मतलब ये है दीर्घात पढ़ना पड़ेगा, तो फिर ये बात निकल आई कि आचार्य दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि दीर्घात नैष दोषा आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति न दीर्घे ह्रस्वाश्रयो विधिर्भवति यदयम दीर्घात छेतुकम शास्ति। दीर्घ से उत्तर छह के पर रहते जो तुक शासन है उससे पता लगता है कि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि नहीं होती। बोले ज्ञापक नहीं है, दीर्घ ग्रहण तो यहाँ के देखिए अतिव्याप्ति, इस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए, तो ज्ञापक नहीं ना, प्रयोजन है तो दीर्घ ग्रहण इस अतिव्याप्ति को रोकने के लिए, कुड्य छाया एक ही रूप बने, दो रूप ना बने, ज्ञापक दे रहे थे दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि नहीं होती, मतलब दीर्घ में भी ह्रस्वाश्रित विधि हो जाती तो जैसे रिच्छति उदाहरण है, दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि हो जाती तो यहाँ पर दीर्घात सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे वो कह रहे थे। उन्होंने कहा कि दीर्घात सूत्र इसलिए बनाया है, उसका प्रयोजन दे रहे हैं कि यहाँ पदांताद्वा विकल्प ना करे, यहाँ अतिव्याप्ति ना हो, तो उसका प्रयोजन दे दिया ना दीर्घात का कि यहाँ अतिव्याप्ति ना हो कुड्यच्छाया में, ठीक है जी। ये जो ह्रस्व है और अच है,
ह्रस्वस्य और अच्छ इनमें बदलाव होता है, इतने ही देखेंगे कि ह्रस्वस्य कहने से ह्रस्व जल्दी पता चलता है और अच्छ कहने से नहीं चलता। ये उद्योत की बात कह रहे जी। ननु ह्रस्वस्य इति अत्र अच इति एव सिद्धि ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्यात एव तुग न इति चेतना ये पदलाघव भावात इति आशयात। ये पदलाघव तो यही है कि कभी कभी वर्ण लाघव देखते हैं, कभी कभी पद लाघव देखते हैं। तो जहाँ पद लाघव है, जहाँ वर्ण लाघव देखते हैं, वहाँ तो मात्राओं के ऊपर चले जाते हैं। मात्रा लाघव देखते हैं, कहीं पद लाघव देखते हैं। ये देखने का जो दृष्टि है ना लाघव गौरव में, कभी कभी मात्रा लाघव, अक्षर लाघव, वर्ण लाघव ऐसा भी देखते हैं। कभी कभी पदों पर आ जाते हैं कि उसमें करेंगे तो इतना पद, इसमें करेंगे तो इतना पद। तो ह्रस्वस्य कहो, अचय कहो, तो ये पद लाघव इसी में तो पांच आते हैं, इसमें अधिक आते हैं ऐसा जी। ह्रस्वस्य कहने से तो पांच आते हैं नहीं और रील री, और अचह कहने से अधिक आते हैं। यही यही पद लाघवता और गौरवता है या और कुछ है? नहीं नहीं, पद लाघव तो ये ऐसे है कि अच्छा कह लो या ह्रस्वस्य कह लो, लाघव तो नहीं हुआ ना, उस तरह की तो दिक्कत नहीं, मान रहे हैं। नहीं, ये पद लाघव के अभाव इतिहास इसका अर्थ मैं बताऊं। पद लाघव अभाव का मतलब है ह्रस्वस्य की जगह अच्छा कह दिया तो पद लाघव तो नहीं हुआ। जितना पद ह्रस्वस्य कहने से एक पद बना ना, वही एक पद अच्छा कहने से बना। मैं ये कह रहा हूँ कि लाघव गौरव को देखते समय एक बार तो मात्राओं के ऊपर तुल जाते हैं कि इतनी मात्रा इसमें, इतनी मात्रा इसमें, इसमें साढ़े तीन मात्रा, इसमें तीन मात्रा, ऐसे तुल जाते हैं। और एक एक बार ऐसे कहते हैं कि ये ऐसा चलेंगे तो तीन ग्रहण करने पड़ेंगे, तीन पद पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे चलेंगे तो चार पद पढ़ने पड़ेंगे। दीर्घा सूत्र नहीं बनाते तो पदांत दीर्घ में तो विकल्प हो ही रहा था, पदांत हर्ष में भी विकल्प होने लगता है। यही कहा है, न बनाते तो पदांत हर्ष में भी विकल्प होने लगता है। तो जब ये प्रयोजन है ना, तो वो ज्ञापक जो कह रहे थे कि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि नहीं होती, ये ज्ञापक नहीं बनेगा। दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि नहीं होती ऐसा जो आप ज्ञापक दे रहे थे, ये नहीं बनेगा। जब प्रयोजन है दीर्घ का, तो आखिरी में दीर्घ का कोई प्रयोजन नहीं रखा। बोले कि अच्छा इतना ही मात्र प्रयोजन कि दीर्घ में विकल्प चाहते हो, ह्रस्व में विकल्प नहीं चाहते हो, इतना ही प्रयोजन है ना। फिर एक सूत्र बनाओ, इसके लिए क्यों बना रहा है? ये समझ लो कि इसके लिए बनाया दीर्घात, दीर्घात सूत्र ऋच्छति के लिए बनाया है, अपचाच्छायते के लिए बनाया है। तो उन्होंने ये कहा कि ऋच्छति के लिए दीर्घात क्यों, मैं ये पूछना चाहता हूं। वो व्यक्ति ये बोलता है कि दीर्घात सूत्र ऋच्छति के लिए क्यों बनाया, यदि दीर्घ में ह्रस्वास्त्र विधि हो जाती है तो, हो जाती है तो दीर्घात की जरूरत है क्या? इसका मतलब नहीं होती है तब दीर्घात बनाया इसके लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि पदांत दीर्घ में कुटी छाया, कुटी छाया तो बन जाएगा पदांत एक सूत्र बनाने से, दीर्घात पदांत द्वा एक सूत्र बनाने से ये बन जाएगा। छे छह सूत्र यहाँ कर देगा कुट छाया, क्योंकि ये पदांत दीर्घ है नहीं, छे छह सूत्र यहाँ काम कर देगा। रही बच गए एक उदाहरण ऋच्छति अपचाच्छायते, ये दीर्घात यदि अलग सूत्र नहीं बनाएंगे तो ये बचा रहेगा, छे छह लग नहीं सकता है क्योंकि उसमें ह्रस्व की अनुवृत्ति है, बचा रहेगा ना। और यदि अब यहां पर ही समझने की बात है, यदि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि होती है तो यहां भी तुक हो जाएगा, तो अब योग भाग करने की जरूरत नहीं रही, एक ही सूत्र से काम चल सकता है। समस्या तो ये है हमारी, दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि प्राप्त होती है यदि वर्णाश्रय कार्य होता है, दीर्घ में ह्रस्व का आश्रित कार्य होता है, तो ये दीर्घ ऊ है ना और इसमें ह्रस्व ऊ को लेकर के कार्य होता है, तो ह्रस्व प्रतिकृति तुक प्राप्त होता है, उसका प्रतिषेध करना पड़ेगा। एक दोष दिया तो वो कहता है नैष दोष, नहीं नहीं कोई दोष नहीं है, तो
तो कोई दोष कैसे नहीं है ये, वो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे पहले तो दोष को ही समझना चाहिए कि यहां पर आलू में ह्रस्वास्पति तुक प्राप्त होता है यदि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि हो जाए, दीर्घ अक्षर में ह्रस्वाश्रित विधि हो जाए तो तुक पाने लगेगा, ये एक दोष है, इसका प्रतिच्छेद करो। वो चल रहा है ना पीछे से प्रसंग, ये चल रहा है वर्णेशु वर्णेक देशा वर्ण ग्रहणेन गृह्यन्ते चेत, वर्णों के अंदर संध्यक्षर वर्णों के अंदर ये भी संध्यक्षर मान रहे हैं ऊ को, ये जो ऊ है आ है संध्यक्षर मान रहे हैं, संध्यक्षर वर्णों में यदि अवयव आश्रित कार्य होता है तो ये प्रतिषेध करो, ये समस्या है। अब इसका समाधान कैसे करोगे? आचार्य का व्यवहार जतलाता है कि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि नहीं होती। हाँ ये ठीक है, दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि नहीं होती, तुक में ह्रस्वाश्रित विधि नहीं होती है। जो दीर्घ वर्ण है उसमें ह्रस्व मान करके कोई विधि यदि प्राप्त हो तो वो नहीं होती है। कैसे कैसे? जो कि वाक्य पूर्ति करो, आचार्य ने दीर्घात सूत्र बनाया है, जो कि आचार्य ने दीर्घात छेच दीर्घा सूत्र बनाया है, तो फिर दीर्घ से छह के पर रहते दीर्घ को तुक किया है, ऐसे बोलिए, जो कि आचार्य ने छह के पर रहते दीर्घ को तुक किया है, कहां पर? जो कि आचार्य ने दीर्घ से उत्तर रिच्छति में तुक किया है, दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि होती तो यहां पर दीर्घात सूत्र बनाने की क्या जरूरत थी? इसके लिए दीर्घात बनाने की जरूरत नहीं थी। अब बोलिए, जो आप बोल रहे थे कि यहां छेचे से ह्रस्व को तुक हो ही जाता, दीर्घ को तुक करने के लिए दीर्घात सूत्र क्यों बनाया? छेचे सूत्र जो ह्रस्व को तुक किया करता है सामान्य रूप से वही कर देता, तो फिर आगे बोलो। नैतस्यापकम अस्ति अन्यदेत स्वचने प्रयोजनम किम पदांतद्वा इति विभाषां वक्ष्यामि, यदि दीर्घात नहीं कहूंगा तो कुड्य छाया की बात कह दी ना, तो ये तो फिर ज्ञापक खंडित हो गया, ज्ञापक खंडित हो गया तो प्रतिषेध करना पड़ेगा हमारे को, यहाँ आलू में दीर्घ में अश्वाश्रित विधि का प्रतिषेध करना पड़ेगा, जब ज्ञापक खंडित हो गया तो करना पड़ेगा ना। दीर्घ में अश्वाश्रित विधि नहीं होती, ये ज्ञापक जो दिया था दीर्घात का वो तो प्रयोजन दूसरा दे दिया, पदांताद्वा के लिए है, पदांताद्वा के लिए तो यहाँ दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि का प्रतिषेध करना पड़ेगा, तो फिर ज्ञापक लाओ ढूंढ करके, कैसे बनेगा ज्ञापक? एक बार ज्ञापक दिया, एक बार ज्ञापक का विघटन किया, फिर ज्ञापक को स्थापित कर दिया, फिर कह रहे कि अगर वो अगर उसी के लिए है तो दीर्घ पदांतत्वा के साथ ही ग्रहण कर देना चाहिए। यदि दीर्घात का ठीक बोल रहे हो, पदांत में दीर्घ विकल्प चाहते हैं, पदांत में दीर्घ विकल्प चाहते हो, पदांत ह्रस्व को हटाना चाहते हो, इस अतिव्याप्ति को हटाने के लिए दीर्घात आप बता रहे हो, अपदांत ह्रस्व है ये, इसको हटाने के लिए दीर्घ ग्रहण का प्रयोजन बता रहे हो, तो फिर एक सूत्र बना दो क्यों बना रहे हो? इसके लिए दीर्घात क्यों बना रहे हो? रिच्छति के लिए दीर्घात क्यों कह रहे हो? केवल आप दीर्घात को पदांताद्वा के साथ जोड़ करके बता रहे हो ना कि दीर्घात इसलिए पड़ा है कि पदांताद्वा सूत्र पदांत दीर्घ में विकल्प करे या पदांत दीर्घ में विकल्प ना करे, इसके लिए दीर्घ है, तो फिर ठीक है, हमारा कोई वो नहीं है विरोध, आप उसके लिए एक सूत्र बना दो, कोई आपत्ति नहीं है, उसके लिए एक सूत्र बना दो। दो सूत्र क्यों बना रहे हो? माने दो सूत्र बनाने का अर्थ है दीर्घात को रिच्छति के लिए बना रहे हैं, यह है दो सूत्र बनाने का चक्कर। आप एक सूत्र बनाइए फिर, यदि आप कुड्य छाया को व्यावृत करना चाहते हो, कुटी छाया, कुटी छाया में तो विकल्प और कुड्य छाया में विकल्प को वारण चाहते हो, तो आप बनाइए, हमारे कोई आपसे वो नहीं है, विरोध नहीं है। रिच्छति के लिए दीर्घात सूत्र क्यों बना रहे हो? ये बना रहे हो इसका मतलब दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि नहीं होती, यदि हो जाती तो यहां छेचे तुक कर देता अपने आप, और एक सूत्र बनाने से काम चल जाता।
है ना। दीर्घ में ह्रस्व आश्रित विधि यदि हो जाती, आचार्य को अभीष्ट होती, तो दीर्घात अलग सूत्र नहीं बनाते ऋच्छति के लिए, अपचा छायते के लिए, है ना। फिर क्या होता, एक ही सूत्र से काम चलता, और यहां दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि होती और यहां हो जाती, ठीक है, फिर हम प्रतिषेध करते रहते। यहां पर दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि हो जाती और यहां हो जाती तो यहां भी फिर प्राप्त होती, उसके लिए प्रतिषेध कर देते हम। अब चूंकि दीर्घात सूत्र इसके लिए बनाया, इसका मतलब दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि नहीं होती, नहीं होती है तो अब हमको प्रतिषेद की भी जरूरत नहीं है यहाँ। हाँ जी, हो गया। अब एक प्रश्न था गुरु जी, ये जब दीर्घात नहीं पढ़ेंगे तो पदांत अद्वा रह जाएगा, तो इसमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों कैसे कर रहे हैं? ये पदांत जो भी है वो तो फिर सामान्य तो बन जाएगा। पदांत पद के अंत में ही होना चाहिए, इसमें पदांत कह दिया तो पूर्व में कर रहे हैं, जैसे पूर्व में कहाँ कर रहे हैं, ये कुड्य अच्छा है। हाँ तो पदांत ही तो है, कुड्य सब पदांत है, समास हो रहा है ना। अंतर्वर्तनी व्यक्ति को लेकर पद संज्ञा है, जैसे राजा पुरुषा में राज पुरुष की पद संज्ञा है ना, राजन की अंतर्वर्तनी व्यक्ति होती है ना, उसको लेकर के यहाँ पद सुबोधातु प्रातिपदिक का लुक हो रहा है, तो उसको लेकर इसकी पद संज्ञा है, तो ये पदांत है, ये भी पदांत है, ये अपदांत है। गुरु जी, ये जो हर्षस्य इति अच इति एव सिद्धि हर्ष ग्रहण सामर्थ्यात एव तुक न है, ये जो छे च सूत्र में ये हर्षस्य के स्थान पर अच ऐसा पढ़े तो एक पद लाघव का अभाव होगा, इस आशय से ये लिख रहे हैं, क्योंकि हर्षस्य की अनुवृत्ति तो आ रही क्या? थी पद लाघव का, पद लाघव का अभाव ऐसा जो लिख रहे हैं, पद लाघव अभावात, ये पद लाघव का अभाव इसलिए नहीं हो पाएगा कि ह्रस्वस्य की अनुवृत्ति आ रही थी और छे च सूत्र में फिर भी एक अच पढ़ें तो अधिक पद हो जाएगा, पद लाघव का अभाव नहीं रहेगा, इसलिए ह्रस्वस्य की अनुवृत्ति से ही काम चलाएंगे, अच फिर नहीं पढ़ेंगे, ऐसी स्थिति में तुक नहीं होगा ऐसा कहना फिर उचित नहीं है, इस दृष्टि से ये संभवतः लिख रहे हैं। दीर्घात छे दीर्घात दीर्घस्य छे तुक, ऐसा अर्थ है उस सूत्र का। ननु माने ये जो ननु ह्रस्वस्यत्र, ये ह्रस्वस्पितिकृति तुक की बात कर रहे हैं, माने छे चे की बात कर रहे हैं एक प्रकार से, तो वहां पर ह्रस्वस्य की जगह अचय कह दो, अनुवृत्ति आदि की बात नहीं कह रहे। हाँ, दीर्घ यदि दीर्घ में करना होता तो ह्रस्वस्य के स्थान पर अच ही पढ़ देती, यदि दीर्घ में भी करना होता तो ह्रस्वस्य के स्थान पर अच ही पढ़ देती। अब भी कोई दिक्कत नहीं, यदि दीर्घ को करना है तो दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि होती है। हाँ, ऐसा मानेंगे तो ह्रस्वस्य और अच समान अर्थक हो गए, पर ह्रस्वस्य कहने से और अचा कहने से वर्ण लाघव तो होता है, बोले हम वर्ण लाघव तो मानते हैं पर पद लाघव तो नहीं है ना। किंतु पद लाघव भी दिखाना है हमको, पद लाघव अभावात, यहाँ पद लाघव का अभाव हो जाएगा। मैंने ये कहा इस वाक्य का आशय ये है कि पद लाघव का अभाव होने से, मानी ह्रस्वस्य और अचय इन दोनों में से ऑप्शन डाल रहे हैं और उसमें पद लाघव नहीं, कुछ लाघव हो ना तब कोई बात विचार करने की आगे बढ़े। ह्रस्व इत्यत्र अच इत्येव सिद्धे, इस पंक्ति का ऐसा अर्थ निकल रहा है कि ह्रस्वस्य यहाँ पर अचा से ही सिद्ध था, ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्या देव तुग न, कोई ये कहे कि ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्य से तुग नहीं होगा तो उसकी बात ये ठीक नहीं बैठेगी। तो अच ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुग के स्थान पर अच पीति कृति तुक, ऐसे ऐसे सूत्र बनाए तो वहाँ दीर्घ में भी हो जाएगा। जी जी, फिर छे च में तो उसमें भी उसकी अनुवृत्ति ले आएंगे, छे च में अच की अनुवृत्ति ले आएंगे। हाँ, तो ये अर्थ होगा
अच को तुक होता है छ के परे रहते, तो फिर ये दो लाघव तो अच्छा कहने से हुआ, ह्रस्व की अपेक्षा लाघव तो हुआ। बोले लाघव वर्ण लाघव है, पद लाघव का अभाव होने से इति आशयात, ऐसा आशय रख करके समझना चाहिए। अचह पीतिकृति तुक यदि रखेंगे तो आलू में ननु ह्रस्व सिद्ध्यत्र अचह इत्येव सिद्धे ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्यादेव तुग न इति चेत। अच्छा, ये इस तरह से कह रहे हैं जी, आप जो बात कह रहे हो आलू की वो तो ठीक हो गई कि यहाँ वो पाएगा तुक पाएगा, इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि अच्छा कहना चाहिए था फिर जो ह्रस्व ग्रहण किया, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक सूत्र में पाणिनी को कहना चाहिए था अच्छा प्रतिकृति तुक, अच्छा इससे सिद्ध होने पर ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्य से तुक नहीं होगा। यहां पर देखिए ये वो मान रहे हैं कि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि होती है, लेकिन अचय की जगह ह्रस्व पड़ा है तो ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्य से यहां पर तुक नहीं होगा। ऐसा कोई कहे तो क्या करें, ननु ह्रस्व सित्यत्र, ह्रस्व से प्रतिकृति तुक सूत्र में अच से ही काम चल जाता, ह्रस्व और अच तो एक ही है और ह्रस्व की जगह अचा कह देते, ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्य से ही तुक नहीं होगा ऐसा कोई कहे तो ये ठीक नहीं। पद लाघव अभावात, पद लाघव की कोई बात हमारे को नहीं मिलती, यू कह रहे जी शायद कि पद लाघव की बात हमारे को नहीं मिलती, अच पढ़े चाहे ह्रस्व पढ़े एक ही बात है, ह्रस्व और अच दोनों में से एक ही बात बैठती है। किंतु पद लाघव तो नहीं होगा, किंतु अच प्रतिकृति तुक कहने से आलू में तुक पाएगा और अचह ह्रस्व से प्रतिकृति तुक कहने से आलू में नहीं पाएगा, इतना तो अंतर पड़ेगा। ये तो अंतर पड़ेगा पर ये इस तरह से प्रस्तुत अचह इत्येव सिद्धे, कहते हैं अच से ही सिद्ध था तो ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्य से यहाँ तुक नहीं होगा, दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि होते हुए भी ऐसे घुमा करके बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि होती है, होते हुए भी अच कहना चाहिए था, अच की जगह जो ह्रस्व कहा उस ह्रस्व विधान कथन सामर्थ्य से यहां तुक नहीं होगा आलूए में। दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि तो होती है लेकिन अच ग्रहण करना चाहिए था सूत्र में, अच ग्रहण ना करके जो ह्रस्व ग्रहण किया उस ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्य से यहां पर तुक नहीं होता, ऐसा कोई कह सकता है। तो ये सामर्थ्य बना रहे हैं ह्रस्व का, तो कह रहे हैं कि सामर्थ्य तो नहीं बनेगा क्योंकि पद लाघव बनता नहीं है, ह्रस्व और अच में कुछ पद लाघव बनता नहीं है, सामर्थ्य तब बने जब कुछ लाघव हो, लाघव गौरव हमारे को मिले तब सामर्थ्य बने। दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि यदि होवे हैं तो फिर यहां ह्रस्व उसका वारण नहीं कर सकता है कि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि तो होती है, वो यूं कह रहा है होती है, हाँ जी, हाँ जी। पर होते हुए भी ह्रस्व कोई यूं कहे, ऐसे घुमा रहा है, कोई यूं कहे कि अच की जगह जो ह्रस्व बढ़ा है ह्रस्व विधान सामर्थ्य से तुक नहीं होगा, नहीं होगा, ये उसकी बात मान्य नहीं हो सकेगी क्योंकि इसमें सामर्थ्य नहीं बन पाएगा, अच और ह्रस्व से तो एक ही चीज है जी। उसमें पद लाघव कुछ हुआ नहीं तो इसलिए सामर्थ्य नहीं बन पाएगा, और सामर्थ्य नहीं बनेगा तो हम ये नहीं कह सकते कि दीर्घ में ह्रस्वाश्रय विधि तो होती है लेकिन ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्य से तुक नहीं होगा, ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्य से तुक नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते। ये कह रहे थे ना ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्य से तुक नहीं होगा, ऐसा कोई कहे इति चेत का मतलब यही होता है कि ऐसा कोई कहे तो उसकी बात मान्यता प्राप्त नहीं है, क्यों नहीं है, इति आशयात, इस आशय से मान्यता प्राप्त नहीं है, पद लागव अभावाद इति आशयात, इस आशय के कारण से उसकी बात महत्वशाली नहीं है। किंतु अच पढ़ने से तो सब आ जाते हैं ना गुरुजी,
तब ह्रस्वस्य पढ़ने से आलू में तुक नहीं होगा, ये तो मान्य होना चाहिए, ये मेरे आशय है प्रश्न का। अचह पीतिकृति तुक कहने से तो सर्वत्र हो जाए, किंतु ह्रस्वस्य पीतिकृति तुक कहने से न हो, ये तो होना चाहिए, फिर तुक न चेत इति न ऐसा कह करके कहना ये कैसे संगत होगा, यही प्रश्न है। ये यूं कह रहे हैं कि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि तो होती है, इसमें हम नहीं रोक सकते, दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि हुआ करती है। लेकिन कोई ये कह सकता है कि जो ह्रस्वस्य पीतिकृति तुक सूत्र है ना, उसमें अचा कहने से, ये पहले इस सिद्धांत को सामने रखो कि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि होती है, होती है तो ह्रस्व को मान करके भी प्राप्त होगी ना यहाँ दीर्घ में ह्रस्वाश्रित। पर इसमें कोई कहेगा कि अच के स्थान में जो उन्होंने ह्रस्व पढ़ा है उससे सामर्थ्य बन गया, क्या सामर्थ्य बना कि जहां मूलतः हमको ह्रस्व मिलेगा ना वही होगा, जहां दीर्घ के अंदर ह्रस्व है उसको मानकर ना हो, जहां मूलतः ह्रस्व हमको दिखाई दे रहा है प्रकृति आदि में वहीं पर ये तुक हो, जहां दीर्घ अक्षर के अंदर ह्रस्व दिख रहा है वहां ना हो, ऐसा कोई कहे तो उसकी बात मान्य नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि पद लाघव नहीं है। उतना तो मान लिए गुरुजी कि पद लाघव नहीं है, किंतु अचह पढ़ने और ह्रस्व से पढ़ने में भले पद लाघव न हो, किंतु अचह पढ़ने में दीर्घ में भी प्राप्त होगा, ह्रस्व से पढ़ने में नहीं प्राप्त होगा, अर्थात आलू में प्राप्त होगा ही नहीं, ये बात तो निकल सकती है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ह्रस्व में भी तो वो जब वो सिद्धांत मान लेंगे कि दीर्घ में भी ह्रस्वाश्रित विधि होती है, जब उस सिद्धांत को मान लेंगे तो ह्रस्व में भी पाएगा, ह्रस्व ग्रहण करने पर भी पाएगा यहाँ पर आलूए में दीर्घ में यदि ह्रस्वाश्रित विधि होती है तो ह्रस्व ग्रहण करने पर भी पाएगा। तो फिर ये वर्णिक देश के दृष्टि से विचार करेंगे, ठीक है। उससे वार्तिक के द्वारा न कर कर कोई ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्य से करना चाहे तो तब ये नहीं बनेगा, ये मूल। और उधर वर्णिक देश ग्रहण हो रहे हैं, उधर वर्ण एक देश ग्रहण हो रहे हैं और उधर ह्रस्व पढ़ दिया, ह्रस्व करने पर भी दीर्घ में ह्रस्व मानकर तुक होने लगेगा, होने लगेगा। तो कोई कहे कि हम तो ऐसे नहीं करेंगे कि वो ह्रस्व की जगह अचा कह देते, फिर भी उन्होंने ह्रस्व कहा तो इसमें सामर्थ्य बन रहा है कि मूलतः जहाँ ह्रस्व मिले वही होता है और यहाँ नहीं होता, तो बोले सामर्थ्य बनेगा नहीं, पद लागा भावात ऐसे कह दिया फिर ह्रस्व में होगा, तो इसलिए अगर कोई कहे कि आपका दीर्घ ह्रस्व विधि प्रतिषेध है वार्तिक नहीं बनेगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पद लाघव नहीं है तो ये तो वार्तिक बनाना ही पड़ेगा। हाँ, वार्तिक बनाना पड़ेगा, फिर वार्तिक पर मूल आ रहे हैं कि अगर ना कहें तो ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्य से ही वार्तिक बनाने की जरूरत नहीं, विधि प्रतिषेध हो ही जाएगी। विधि का प्रतिषेध गुरु जी मान लिया उसमें है, कोई कहे कि ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्य से विधि का प्रतिषेध हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है, दोनों पद लाघव नहीं है। हाँ, वो एक प्रिंसिपल जो मैंने आपके सामने रखा ना, कई कई जगह वर्ण लाघव पर विचार करने लगते हैं, वर्ण लाघव को पकड़ करके करने लगते हैं, और कहीं कहीं पद लाघव को पकड़ करके विचार करते हैं, तो पद लाघव न होने से यहाँ पर वो उस दृष्टि से ये बात कही है। अप्रिक्तम ये जो सूत्र आ रहा है ना, अप्रिक्ते काल प्रत्यय, वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपके सामने आएगी ये बात कि वहाँ पर कहेंगे साथ साथ ये वर्णिक देश को भी ध्यान में रख करके बात को चला रहे जी, तब ठीक हो जाएगा। मतलब वो ये जो उन्होंने तीर्थ राम जी ने बात रखी ना, हाँ। कि कोई ऐसा कह सकता है कि ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्य से वो वार्तिक हम प्रतिषेध नहीं करेंगे, तो आपका ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्य नहीं बनेगा कि जो आप प्रतिषेध ना करो, आपको प्रतिषेध करना ही पड़ेगा, यहाँ पर दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि पाएगी और आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि ह्रस्व की जगह अच पढ़ देते, अच पढ़ने से अच की जगह जो ह्रस्व पढ़ा है तो वो सामर्थ्य बन गया कि दीर्घ वर्णों में ह्रस्वाश्रित विधि नहीं होती, तो ऐसा तुम हेतु नहीं दे सकोगे, तर्क नहीं दे सकोगे।
क्यों नहीं दी गुरु जी? इसमें ये कह रहे कि हर्ष और हर्ष्वाच में पद लागम नहीं है। ये जो है ना, ये दीर्घ में हर्ष्वाश्रित विधि का प्रतिषेध करो, तो बोले हर्ष्व ग्रहण सामर्थ्य से प्रतिषेध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर्ष्व से की जगह वो अच कहकर के भी काम चला सकते थे। फिर जो हर्ष्व कहा, इसका मतलब दीर्घ में हर्ष्वाश्रित विधि नहीं होती, ऐसा हम निकालेंगे हर्ष्व प्रतिकृति तु के सापेक्ष, उस सूत्र के संदर्भ में हर्ष्व से ये बात निकालेंगे। तो बोले हर्ष्व से ये बात निकाल सको जब कुछ लाघव गौरव और कुछ सामर्थ्य बने, सामर्थ्य बनेगा नहीं, क्योंकि जितना हर्ष्व से कहने में आचार्य को जोर पड़ा उतना ही अच कहने में जोर पड़ेगा। वो जो कुछ जोर ज्यादा पड़ता तो कुछ सामर्थ्य बनता, ह्रस्व से और अचय में तो उतना ही ताकत लगाई उन्होंने, उनकी ताकत में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो इसलिए सामर्थ्य नहीं बनेगा। क्या सामर्थ्य नहीं बनेगा हैं? दीर्घ विधि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित कार्य का प्रतिषेध हो जाता है सामर्थ्य से, ये भी नहीं बनेगा। हर्ष्व ग्रहण सामर्थ्य से दीर्घ में हर्ष्वास्त्र कार्य का प्रतिषेध हो जाता है, ये सामर्थ्य नहीं बनेगा। वो जो है वार्तिक बनाना पड़ेगा एक हमको। तो ये ठीक है, ये यहां तक पहुंच गए हम। यह तरी एक नया उदाहरण ले रहे हैं अब, जैसे खट्वा भी अतो विशेष, देखिए जी खट्वा शब्द है ना, और ये है भिष, ये आमे ह्रस्वकार मानकर अतो विशेष, आमे अमान करके अतो विशेष पाएगा, बोले तपरकरण सामर्थ्य नहीं हुआ। ऐसे सामर्थ्य बहुत बड़ी चीज है, इसमें व्याकरण शास्त्र पढ़ रहे हो तो बार बार सामर्थ्य सामर्थ्य बहुत बोलते रहते हैं, अभी भी ये सामर्थ्य की चर्चा चली है, ह्रस्व ग्रहण सामर्थ्यात। तो सामर्थ्य जो है, एक सामर्थ्य को यदि पकड़ लोगे ना तो बहुत सारी चीजें समाधान आने लगेंगी, जो ये बोलते रहते हैं तपरकरण सामर्थ्यात है? सामर्थ्य क्या होता है? कुछ अतिरिक्त जोर लगाना, सामर्थ्य का मतलब है कुछ अतिरिक्त ताकत लगा देना। तो अतिरिक्त ताकत लगाई, तय लगाया, अतो विशेष में तय लगाया है, तो बोल तपरकरण सामर्थ्य से नहीं होगा। अच्छा यह तारी एक और उदाहरण लिया, याद आतु, चुप हो गए जी यहां, जैसे तपरकरण सामर्थ्य जो बात कही ना तो आगे बोले नहीं, अतो विशेष वाले प्रसंग को छोड़ दिया, एक और उदाहरण लिया, या आगे ता है, अतोलोपा दीर्घ आकार में ह्रस्वकार, दीर्घ आकार में ह्रस्वकार अतोलोपा आर धातु के इति आकार लोपा प्राप्नोति। दीर्घ आकार में ह्रस्व आकार होता है ना, अतोलोप पाएगा। बोले ननुचत्र अभी तपरकरण सामर्थ्यादेव ने भविष्यति, यहां भी तो तपर किया है, उस सामर्थ्य से नहीं होगा। अस्ति अन्यत तपरकरणे प्रयोजनम, जब तपरकरण में कुछ अलग प्रयोजन है तो सामर्थ्य नहीं बनेगा। कुछ सामर्थ्य तब भी बनता है जब जैसे उसका प्रयोजन नहीं है फिर भी वो कह रहे हैं, अलग यदि तपरकरण का प्रयोजन दिखा देते हैं तब सामर्थ्य नहीं, और नहीं दिखा पाएंगे तो फिर सामर्थ्य बन जाएगा। सामर्थ्य क्या बनेगा कि तपरकरण सामर्थ्य से दीर्घ आ के अंदर जो ह्रस्वकार है उसको हम ग्रहण नहीं कर सकेंगे। नम चत्राभि तपरकरण सामर्थ्यादेव न भविष्यति अस्ति अन्य तपरकरण प्रयोजन किम सर्वस्य लोपो मा भूत। कहते हैं तपरकरण का तो ये प्रयोजन है कि संपूर्ण का लोप न हो, उसके एक हिस्से का लोप हो, आ में ह्रस्व ए का लोप हो जाए और ह्रस्व ए बच जाए, ये तपरकरण का प्रयोजन है। अब ये प्रयोजन हो या न हो, पर तर्क संगत युक्ति संगत यदि बात है तो वो अगला स्वीकार करेगा। आ माने दीर्घ आ है ना, इसमें दो अ हैं, दो अ है ना जी, दो अ मान लिए ना, तो कह रहे हैं संपूर्ण का लोप ना हो, तपरकरण का ये प्रयोजन है उसके एक हिस्से का लोप हो, हैं?
एक आकार का लोप हो, एक आकार बच जाए, ये तपरकरण का प्रयोजन है। अब वो कह रहे हैं, अच्छा चुप हो गया, युक्ति तर्क जो सही सही यदि आता है तो वो चुप होता है। जैसे यहां संपूर्ण का लोप ना हो, एक एक अखार बच जाए, ये ऐसे युक्ति दी ना, तपर तो इसलिए लगाया है, तपर नहीं लगाते तो पूरे का लोप हो जाता। अतो लोपा यदि अस्य लोपा सूत्र होता ना, तो पता है यस्य तीचे की जगह साला का लोप हो जाता है, जैसे आका शाला के आका लोप हो जाता है, ऐसे ही यहां पर पूरे आका लोप हो जाता है। तपर करने से एक एक आका लोप होगा और एक बचेगा, तो ये तपर करण का प्रयोजन है। अथ क्रियमाणे तपरे, अच्छा तपर तो कर दिया आपने, एक आका लोप कर दिया, एक आका लोप कर दिया ना, ऐसे यूं कह रहे हैं एक लोप आका लोप कर दिया आपने, ये जैसे एक लोप हो गया, अब ये पूर्व में जो बच गया इसका फिर अतो लोपा क्यों नहीं होता, पर लोप से स्थानीवत भावत। अच्छा प्रश्न, पूर्वी दो पर निमित्त अजादे स्थानीवत होता है, पूर्व विधि करने में बीच में आर धातु परे नहीं मिलेगा, व्यवधान आ गया, आर धातु परे रहते लोप होता है, व्यवधान आ गया। एवं तरही, अब वो असली समाधान पर आते हैं, एवं तरही आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति, मैंने आपको बताया था ना कि कदम कदम पर ज्ञापक देते हैं, एवं तरी आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति न आकारस्थ से अकार से लोप भवति यदि आतोनुपसर्गे कहती ककारम अनुबंधम करोति। अब एक और ज्ञापक दे रहे हैं कि दीर्घ आ के अंदर ह्रस्व आकार का आतो लोप नहीं करता है, जो कि आतोनुपसर्गे का सूत्र है ना, आकार में स्थित आकार का लोप नहीं होता, ये ज्ञापक है। कैसे आतोनुपसर्गे का में जो ककार अनुबंध लगाया, कथं कृत्वा ज्ञापकम्, ज्ञापक कैसे बनेगा, बोले कित करणे एतत् प्रयोजनम्। देखिए जैसे वो उपद रहते दा धातु से क प्रत्यय किया ना, इस कित करण का क्या प्रयोजन है, बोलिए आतोल आतोलोपिटीचे से आ का लोप हो जाए, कितिते आकार लोप हो था, कित के पर रहते आकार लोप हो जाए, यदि आकार स्थसी के आकार से लोपो स्यात् कित करण मनर्थकम स्यात्। यदि आकार में स्थित आकार का, मान लीजिए यहां क नहीं करते हम तो अ ही करते हैं, मान लीजिए क नहीं करते हम अ ही करते हैं, इधर देखिए क नहीं करते अ ही करते हैं, तो क्या होगा, एक आकार का लोप होगा और फिर अतो गुणे पर रूप हो जाएगा, परस्य आकार से लोपे, अतो लोपा से लोप हो गया पर वाले आकार का, ये दो दा में दो ए है ना, इस दा में परस्य आकार से अतो लोपे और फिर बच गया एक अ बच गया ना यहाँ पर, और अतो गुणे से द्वयोर आकार पर लूपे रूप पर रूपे सिद्धम रूपम से आत गोदा कम्बलदा पश्यति। तो आचार्य आचार्य ऐसा देख रहे हैं, न आकारस्थस्य आकारस्य लोप भवति, आकार में स्थित जो अ है उसका लोप नहीं होता, अतः ककारम अनुबंधम करोति, इसलिए उन्होंने ककार अनुबंध लगाया, इसलिए उन्होंने यहां पर क अनुबंध लगाया कि यहां आकार में स्थित आकार का लोप नहीं होता है, आचार्य ऐसा देख रहे हैं। फिर वो खंडन ज्ञापक देता है, तुरंत ज्ञापक का खंडन करने की युक्ति निकालते हैं, नहीं तदस्य ज्ञापकम है, ज्ञापक दिया तुरंत एक युक्ति खोजते, नहीं ये ज्ञापक नहीं है, उत्तरार्थम एतत् स्यात्। आपने जो क अनुबंध बताया ना, वो केवल वहीं के लिए नहीं, और अगले वाले सूत्रों के लिए भी तो हो सकता है जहां पर आकार लोप की कोई चर्चा नहीं है, जैसे तुंद सो के ऊपर इम्रजापनु दो, वहां पर कित करने से किंगति से सूत्र चाहिए हमको, वहां आकार लोप की कोई बात नहीं है, यदि क अनुबंध नहीं रखेंगे तो अगले सूत्र में वो गुण कैसे निषेध करेगा, यदि अप्रत्यय रखेंगे ना तो अगले सूत्र में गुण होने लगेगा, तो इसलिए आगे के लिए है। सती प्रयोजन है ज्ञापकम, ये हमेशा बराबर रहती है बात, प्रयोजन के रहते कोई ज्ञापक नहीं बनता। उत्तरार्थम एतत्स्यात् तुंद सो के परिमृजापनो यत्तर ही, एक और ज्ञापक ले लिया, यत्तर ही गापोष्टक अनन्यार्थम ककारम अनुबंधम करोति, वहां तो अनुवृत्ति नहीं ले जाते,
आगे की अनुवृत्ति ले जाते नहीं है, किसी के लिए है नहीं, ककारण बंध क्यों लगाया? गापोष्टक, गापोष्टक का उदाहरण क्या है? सामगी, सामगा है गापोष्टक, सोमपा। तो देखो सोमपा आगे टक, टित होने से तो टिडाण गीप होता है, कित होने से, कित होने से आतोलोपिटी से इस आकार लोप हो जाता है। यदि आकार में स्थित आकार का लोप होता होता, आकार में स्थित आकार का लोप हो जाता, कित करण व्यर्थ हो रहा है, तक का कित व्यर्थ हो रहा है, कैसे? अतोगुण पर रूप हो जाएगा, दीर्घ आ में ह्रस्व आकार का लोप हुआ और यहां पर अतोगुण पर रूप सोम पर बन जाएगा। तो यहां इन्होंने इस ज्ञापक को रख लिया, और जो ये इन्होंने एक उदाहरण दिया था ना, यातावाता में अतोलोपा से आर्धातुक में अकार लोप प्राप्त होता है, यदि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि करेंगे ना, तीन हो लिए अब तक, एक तो ह्रस्वाश्रित तुक वाली ज्ञापक से वारण कर दिया, एक आया खटवा भी में अतोभिशेष तपरकरण सामर्थ्य से निराकरण कर दिया, तीसरा आया यातावाता ज्ञापक से निराकरण कर दिया, दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि नहीं होती है। तो इस वार्तिक को तो दीर्घ ह्रस्व विधि प्रतिषेधा भाष्यकार ने अपनी उहा से खंडित कर दिया। गुरु जी हाँ, परलोपस्य स्थानीयवत भावात असिद्धत्वाच्च, उसमें याता वाले में असिद्धवदत्रवात, ये जो है ना, जैसे ये दीर्घ में से ह्रस्व आकार को निकाल दिया तो असिद्धत्वाच्च, जैसे ही हम तस्मिन एव तदपि असिद्धं भवति, उसी सूत्र में चिणलुक सूत्र में चिणोलुक, चिणोलुक में ही असिद्ध हो जाता है। तो जैसे अतोलोपा किया, फिर अतोलोपा करोगे तो वो पहले वाला अतोलोपा सिद्ध हो गया। असिद्धवदत्र भात प्रकरण में ऐसा है कि वही सूत्र उसी में असिद्ध हो जाता है, पहले उसी सूत्र ने एक कार्य किया, फिर दोबारा वही सूत्र वहां कार्य करने लगे तो पहले किया हुआ कार्य सिद्ध हो जाएगा, दो बार लग रहा है ना। तो गुणे एक बार दीर्घ आ को ह्रस्व का लोप कर दिया, फिर लगाने लगे अतोलोपा, अतोलोपा लगाने लगे तो पहले वाला असिद्ध हो गया, फिर आय दिखने लगा, चिणोलुक न्याय होता है ना, अकारिताराम आदि में, अकारिताराम जैसे ये देखो अकार ये चिण है, ये चिण है, ये यानी ई जो है चिण का ई है, क्री को वृद्धि होगी कार, ये तय है, इसका चिणोलुक लुक हो गया, तराम चिणोलुक से इसको बीच में से हटाने के बाद चिणोलुक से इसका भी लुक होने लगता है तो असिद्ध हो जाता है, असिद्ध वदत्राभात से असिद्ध हो जाता है। तो देखिए दीर्घ ह्रस्व विधि प्रतिषेधा को अभी तक एक वार्तिककार का दिया हुआ, जो दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि यदि होने लगे तो एक समस्या का समाधान नहीं कर पाए, समान अक्षर विधि प्रतिषेधा वार्तिककार की जो एक पहला वार्तिक है ना उसके ऊपर भाष्यकार चुप हो गए, कुछ नहीं बोले, पर दूसरे दीर्घ ह्रस्व विधि प्रतिषेधा इसके ऊपर भाष्यकार ने अपनी उहा का प्रयोग किया है। एक वर्णवच्च दीर्घ होती थी वक्तव्य किम प्रयोजनम, जैसे वाचा तरती बनाते हैं जज लक्षण स्थन माभूत यही वाचो निमित्तम तस निमित्तम संयोगोत्पातो जज लक्षण यन माभूत, एक सूत्र है गो द्वैचो संख्या परिमाण स्वादिर यत नो द्वैच स्थन, कहां का सूत्र नो द्वैच स्थन, ये नो गो द्वैचो ये तो 5:38 है और नो द्वैच स्थन कौन सा है 4:47 नोद्वय चष्टन में कह रहे हैं कि वाचा तरती, जैसे हम क्या करेंगे कि एक वर्णवत कहना चाहिए यदि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि होती है तो वाच शब्द है ना, तो एक वर्ण दो जो ऐसा वर्ण हो जो दीर्घ वर्ण है उसमें दो ह्रस्व मान करके
हम दो अच वाला व्यपदेश भी करने लगेंगे। जैसे वाद शब्द है तो क्या करने लगेंगे, हम दो अच मानने लगेंगे। ये वाचा शब्द में ये तो तृतीया का एक वचन है, वाद शब्द जच प्रातिपदिक लेते हैं, सुबंत नहीं। जैसे वाद शब्द है ना, तो ये दो अच वाला माना जाने लगेगा ना, आ के अंदर दो अच माने जाने लगेंगे। तो वाचा धरती जज लक्षण ठन महाभूत, जज लक्षण ठन ना हो, नो द्वेचस ठन। और दूसरा एक उदाहरण दे रहे हैं, वाचो निमित्तम तस निमित्तम संयोगोत्पादो गो द्वेचो संख्या परिमाण स्वादेर यत सूत्र से यत ना हो। ठीक है जी, यहां पर ठन नहीं चाहते, यत नहीं चाहते हैं, वाचो निमित्तम वाच्यम ऐसा नहीं चाहते हैं, और वाचा तरती वाचिक ऐसा नहीं चाहते हैं। ये दो अच मान करके ठन यदि हो जाए तो रूप क्या बनेगा, वाचिक ठेको एक वाचिक बनने लगेगा। वाचो निमित्तम वाणी का निमित्त संयोग, तो यहां पर वाच्यम बनने लगेगा, ऐसा नहीं चाहते हैं, ऐसा प्रयोग नहीं होता है। वाचा तरती वाची का प्रयोग नहीं होता है, वाचा तरती इस अर्थ में वाची का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि यदि होती है, दीर्घ अक्षर में ह्रस्वाश्रित विधि होती है, तो यहां ठन होने लगेगा, यहां यत होने लगेगा। इसलिए एक वर्णवत होता है ऐसा कहना चाहिए, कि वो जो दीर्घ अक्षर है वो एक वर्ण जैसा होता है ऐसा कहना चाहिए, वार्तिककार कह रहे हैं। यदि दीर्घ में ह्रस्वाश्रित विधि होती है तो उसको एक वर्ण मानना चाहिए, ज्ञापक दे रहे हैं। अत्रापि गौ नौ ग्रहणम ज्ञापकम, ये भाष्यकार की ऊहा चलती है ऐसे जब ये ज्ञापक देते हैं। अत्रापि गौ नौ ग्रहणम ज्ञापकम दीर्घे जज लक्षणों विधिर न भवति। गो और नव ग्रहण ज्ञापक बनता है कि दीर्घ में द्वज लक्षण विधि नहीं होती। कैसे, यदि दीर्घ में द्वज लक्षण विधि हुआ करती तो नो द्वैचष्ठन में नौ क्यों पढ़ते आचार्य, विचार करो। दीर्घ में द्वज लक्षण विधि होती तो नौ क्यों पढ़ते, यह भी दो अच वाला है, नौ शब्द दो अच वाला है ना, दो अच वाला नहीं है नौ, दीर्घ अ और ऊ मिलकर के तो नौ बनता है, या अ या औ ओ मिलकर के अ और ओ मिलकर औ बनता है ना, तो दो अच है ना इसमें। तो यदि द्वज लक्षण ये दीर्घ वर्ण में भी वर्णाश्रय कार्य यदि मानते हैं तो यहां पर भी मानेंगे और यहां हो जाएगा। नव द्वैचष्टन अलग से नव क्यों पढ़ा, इससे आचार्य का भाव प्रकट होता है कि वो ऐसे नहीं मानते हैं। और इसी तरह गो वाला शब्द पांचवें अध्याय वाला, गो द्वैचो संख्या परिमाण स्वादेर्यत, दच कहते हुए गो क्यों कहेंगे अलग से, दो अच तो हैं इसमें, तो ज्ञापक है कि नहीं होता। तो भाष्यकार ने इसका भी समाधान कर दिया, एक वर्णवत कहने की जरूरत नहीं है, सामान्य ज्ञापकम हो जाएगा ये। वर्णावय आश्रय कार्य अभाव से, वर्णावय ये एक प्रकार का सामान्य, एक दो तरह से ज्ञापक होते हैं, एक सामान्य अपेक्ष ज्ञापकम, विशेषापेक्ष ज्ञापकम। यदि विशेषापेक्ष ज्ञापक है तो वो केवल यही सीमित है, इस प्रसंग में ही लगेगा। यदि इस ज्ञापक को सामान्य अपेक्ष कर दें तो पूरे शास्त्र के लिए ये ज्ञापक बन जाएगा कि वर्णावय आश्रय कार्य संयुक्त वर्ण में नहीं होते हैं। एक सामान्य दिशा आचार्य ने, सामान्य आचार्य की दृष्टि को हम सामने लाएंगे कि आचार्य वर्ण समुदाय में, माने दो वर्णों का समुदाय है जैसे ये, तो वहां पर अवयव आश्रय कार्य नहीं चाहते हैं, तभी उन्होंने गो और नव पढ़ा है। प्रदीप ने यही लिखा है जो मैं बोल रहा हूं, सामान्य ज्ञापकम वर्णावय आश्रय कार्य अभाव से,
अग्न एही इत्यादि होएगा पदांत आदि इत्यादि इत्यादि ना बहुत ही अग्ने इही जैसे ये है देखिए अग्ने इही क्या इही एंगा पदांत आदति ये एही है ना इस एही में अग्ने इंद्र है और इसमें अग्ने में ई अंत में ई है ना ये ए के अंदर ई है और इंद्र है तो सामान्य अपेक्ष ज्ञापक से इसका भी पहले वार्तिक का भी समाधान कर रहे हैं ऐसा बता रहे हैं सवर्ण दीर्घ व्यावृत्ति भी होगी सामान्य अपेक्ष ज्ञापक से वर्णावय आश्रय कार्य नहीं होगा ये जो ए के अंदर ई के मान करके आकाशवर्ण दीर्घ पता था ना समानाक्षर विधि प्रतिषेध कहना चाहिए तो ये एक ऐसा ज्ञापक है कि आचार्य का भाव हम ऐसा व्यापक रूप में जान रहे हैं कि वर्णावय वर्ण के अवय आश्रित कार्य नहीं चाहते हैं वर्णावयेषु भेदेन अप्रतिभासमानेषु देखिए उद्योत वर्णावय आश्रय कार्य भाव से वर्णावयेषु भेदेन अप्रतिभासमानेषु जो भेद से प्रतिभाषित नहीं हो रहे वर्णाश्रय कार्य भाव से तेन मातृणाम इत्यादि उणत्वादि सिद्धि भेदेन प्रतिभाषात मातृणाम आदि में तो जैसे णत्व हो जाएगा भेद से प्रतिभाषित हो रहे हैं ये मातृणाम है मातृ आगे नाम है तो रसाभ्याम नोना समान पदे यहां रेप भेद से प्रतिभाषित हो रहा है भेद से प्रतिभाषित हो रहा है तो न को न हो जाएगा पर अभेद से जहां प्रतिभाषित हो रहे हैं जैसे यह अग्ने है इसमें अभेद से ए ही है अभेद से प्रतिभाषित हो रहा है यह अग्ने ए ही जो है अग्न ए ही एंगा पदांता दाति नहीं लगता है कैसे नहीं लगेगा आ इही अग्ने अग्न ए ही ये अग्न है फिर ए ही है ए इही है ना ये ए ही का ए ले लिया तो इधर एंग है एंगा पदांता दति हरस्व कार को पूर्व होने लगेगा वर्णाश्रय वर्णावय आश्रित कार्य नहीं होते पूरे शास्त्र में अयम तू सर्वेशाम परिहारा कहकर पिछले वाले सारे दोषों को ये तो एक ज्ञापक से परिहार किया सारे दोषों का कर दिया और वार्तिककार स्वयं परिहार कर रहे हैं ये तो भाष्यकार ने परिहार किया है ज्ञापकों से और वार्तिककार स्वयं परिहार कर रहे हैं ओ